पोष कृष्ण पक्ष सप्तमी रविवार का पंचांग 26 दिसंबर का, तो 26 घटे 4 पल हो गया, दिन का मान 7.5 घंटा से कम गया और रात्रि का मान 13.5 घंटा से बढ़ गया। रविवार का मान आपको 2400 घंटा रह जाएगा, एक सूर्योदय से लेकर अगला सूर्योदय तक, और सप्तमी तिथि का मान दोपहर 3:33 तक, 4 बजे के बाद से शाम में हम गिनती करते हैं, इसलिए दोपहर कहेंगे 3:33 तक, जाड़ा के दिन में शामों में भी गिनती कर सकते हैं। उत्तरा फागुन नक्षत्र दिन में 1:27 दोपहर तक रहेगा, तो उत्तरा फागुन में शुभ कार्य होते हैं परंतु खरमास होने के कारण बंद है। आयुष्मान योग आपको 2:03 सुबह 7:36 पर 7:30 बजे के बाद तक ही रहेगा, लेकिन शुभ योग है, आयुष्मान योग अच्छा योग है और इसका सौभाग्य योग भी आएगा, वही बहुत बढ़िया योग है, मिला जुला के सब ठीक है। और 5 वाले से मैंने अगला सुबह तक, मैंने 27 दिसंबर हो जाएगा, अगला सुबह 27 दिसंबर तक, मैं 5:44 में सूर्योदय से पहले तक सौभाग्य योग होगा और अगला सूर्योदय में आपको शोभन योग रहेगा। ये अर्थात कहने मतलब यह है कि सौभाग्य योग का हान हो गया, सौभाग्य योग समाप्त हो गया, रहा लेकिन उसको हानि में गिनती करते हैं, लुप्त में गिनती करते हैं, रहते हुए भी वो लुप्त है। जैसे बिया है ना, बिया के अंदर एक पौधा होता है और पौधा दिखाई नहीं देता है और पौधा जिंदा भी रहता है, लेकिन जब उसको अनुकूल स्थिति परिस्थिति मिल जाता है, उचित तापमान नमी मौसम सब कुछ उसके अनुकूल जब होता है तो वो अंदर का पौधा बड़ा होने लगता है, अंकुर करके बड़ा होते थे बहुत बड़ा वृक्ष हो जाता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर लुप्त हो जाता है। मित्र योग है, फ्रेंडशिप का योग है, फ्रेंडशिप का दिन हुआ आपका। प्रीति योग और मित्र योग लगभग एक ही हुआ, थोड़ा सा अंतर है, प्रीति को मतलब प्रेम करना, लव अफेक्शन हुआ, और मित्र का मतलब फ्रेंडशिप हुआ, इसमें भी प्रेम होता है दोस्ती होता है, बिना प्रेम का तो दोस्ती होगा नहीं, उन्हें से दोस्ती होता है जिनसे प्रेम होता है, लेकिन लव और अफेक्शन का अंतर होता है, एक प्रेम होता है और एक प्यार होता है, लव का मतलब प्रेम होता है, अफेक्शन का मतलब प्यार। तो 26 दिसंबर 2021 खद्विंशति फसल सप्ताह 7 सूर्य के अनुसार 10 दशमी 10 राष्ट्रीय 5:55 कन्या राशि के चंद्रमा आपको 1:50 पल सुबह 7:30 के बाद आ जाए, सुबह कन्या राशि प्रवेश कर जाएगा 7:50 पर। नहीं 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 गलती हो रहा है भैया, ठीक है ठीक है, 26 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो 1:50 होगा। इसके बाद सूर्योदय हो गया आपको 6:47 सही है, और 5:13 पर आपका सूर्यास्त हो जाएगा, और कन्या राशि के तो चंद्रमा को बतलाइए दिए कि सुबह 7:30 पर सम आ जाएगा, 7:30 के बाद से भानु सप्तमी पर्व सूर्य ग्रहण सनिभव स्नान दानाय स्वार्थ सिद्धि योग है, आगे बढ़ गए। भानु सप्तमी पर्व सूर्य ग्रहण सनिभव स्नान दानाय, कहने का मतलब है कि भानु के मतलब सूर्य होता है, सप्तमी तिथि सूर्य भगवान का है, तो सूर्य भगवान का दिन और तिथि दोनों मिल गया तो भानु सप्तमी पर्व हो गया, त्यौहार नहीं पर्व, पर्व में होता है व्रत उपासना स्नान दान का महत्व होता है, यानी कि सूर्य ग्रहण में जो स्नान दान करने का फल मिलता है वो स्नान दान करने का फल आज आपको मिल जाएगा, माने कि सूर्य ग्रहण नहीं लगा है ये फिर भी आपको उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाएगा। और स्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 1:27 लगभग 1:30 बजे के पहले खत्म हो जाएगा, तदुपर उसके बाद मैंने 1:27 के बाद मैं लगला ही तदुपर ही उसके बाद रवि हस्त स्वार्थ मृत सिद्धि योग, मैंने रविवार को हस्त नक्षत्र पड़ता है
तो स्वार्थ अमृता सिद्धि जो होता है, सिद्धि योग, स्वार्थ सिद्धि योग और स्वार्थ अमृता सिद्धि योग, माने कि सिद्धि योग को आप चांदी समझिए, स्वार्थ सिद्धि योग हो गया कि सोना हो गया, और स्वार्थ स्वार्थ अमृता सिद्धि योग हो गया यानी कि सोना में भी सुगंध हो गया, या उससे भी महंगा कीमती हीरा कहिए, नीलम कहिए, या जो इच्छा सो समझ लीजिए वो हो गया। यानी कहने मतलब कि इसमें सभी तरह के शुभ काम किए जाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि खरमास भी चल रहा है, इसलिए अत्यावश्यक हो तो हर तरह का शुभ काम आप कर सकते हैं। इसका मतलब यही होता है, माने कि खरमास रहते हुए भी आपको अत्यावश्यक हो तो अनेकों प्रकार के सभी तरह के शुभ काम आप कर सकते हैं। शोभा शुभ त्रय गुना तिर पुष्कर योग दिन में 3:33 तक है, मान वही दिन में 3:33 तक है जावत, तो सुबह सुबह त्रय गुना त्रिपुष्कर योग एकल भी था, यानी कि त्रिपुष्कर योग में जो भी काम आप कीजिएगा वो तीन होता है, ट्रिपल हो जाता है त्रिपुष्कर में। तो यथा संभव जो शुभ काम हो, कर्जा भरना हो, या बढ़िया सामान खाना पीना हो, बढ़िया सामान खरीदना हो, जेवर पाती खरीदना हो, जमीन खरीदना हो, गाय गोरु गाड़ी जो भी खरीदना हो, या और अन्य प्रकार के जो भी शुभ काम करते हैं समझते हैं वो आप कीजिए, वहाँ कृपा अवश्य होगी। 24 घंटा से लेकर 2-3 दिन के अंदर ट्रिपल हो जाएगा, जैसा काम होगा उस तरह से समझ लीजिएगा। और यदि कर्जा आपके ऊपर है तो हम यही सलाह देंगे कि आप कर्जा भरिए कि ट्रिपल 3 गुना कर्जा आपका भरा जाएगा, या और कुछ उस तरह के जो आप काम समझते हो कि अब बार बार हो, ज़्यादा हो, वो ऐसा काम आप करें। और जो अशुभ कार्य हैं, कर्ज लेना या झगड़ा करना या और अनेकों प्रकार का जो खराब काम समझते हैं, गंदा काम, वो काम आप न करें, क्योंकि वो 3 बार हो जाएगा। हाँ, एक सवाल ये करेंगे कि बच्चा जन्म लगा तो 3 बार बच्चा हो जाएगा 2-4 दिन में, तो कभी कभी किसी को होता भी है, ऐसे ही इस योग में 16वां बच्चा पैदा लेते हैं या 1 से अधिक बच्चे जन्म ले लेते हैं, तो वहाँ पर मेरा बात सही हो जाता है। नहीं तो फिर उसी नारी को 3 गो संतान समय अनुसार माने 3 साल के अंदर हो जाएगा, या उनके हित उनके परिवार में उनके गांव घर गुतिया भाई में रिलेशनशिप में हो जाएगा, मैं निश्चित हो जाएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से हो जाएगा। ज्योतिष कभी झूठ नहीं बोलता है, ज्योतिष बिल्कुल सत्य होता है। आपको समझने में गलती हो सकता है, हमको समझाने में गलती हो सकता है, जैसे मोदी जी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान के लिए हित बहुत अच्छा नियम बना दिए, लेकिन उनको बढ़िया से कुछ समझाया नहीं, इसीलिए वो फ्लॉप हो गया। तो उसी तरह से ज्योतिष भी फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि आप समझते नहीं हैं समझना चाहते भी नहीं हैं, समझाने वाला भी नहीं है। ठीक, तो इसके बाद आपको मुदय जयद योग भी जो है सो आपको इसी समय तक रहता है, 3:33 संध्या समय तक ही मुदय जयद योग भी है, यानी कि झगड़ा विजय प्राप्त होने वाला योग होता है। तो जय हिंद, जय भारत। लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सरप्राइज नहीं किए हैं तो कर दीजिए। किसी प्रोग्राम वीडियो कार्यक्रम का 1 बार लाइक किया जाता है, 1 बार ही उसको किया जाता है, दोबारा में अनलाइक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। उसी तरह से किसी व्यक्ति विशेष का किसी चैनल को किसी कार्यकर्ता को हमारे जैसे 1 ही बार सरप्राइज किया जाता है, दोबारा सरप्राइज करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तिबारा करेंगे तो फिर सरप्राइज हो जाएगा, चौथा में नहीं हो जाता है। तो यदि लाल रंग का है वर्तमान काल में तो उसको छू के काला रंग करिए, और घंटी बजा दीजिए, आप हमसे जुड़ गए, हमारा टोटल कार्यक्रम आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो कहिएगा क्यों जुड़े हैं, तो इसलिए जुड़िए किस तरह के सारे कार्यक्रम आपको मिलेंगे, ज्योतिष तंत्र शास्त्र रुद्राक्ष नग नगीना बहुतों प्रकार के जंतर मंत्र सब तरह के कार्यक्रम आपको प्राप्त होंगे। संपर्क करिए फोन पर या कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। शंकर दयाल मिश्र आदित्यपुर।